टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि मान लो ये वाई है और ये टी है। मान लो आप मूव कर रहे हैं और आपका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है कुछ ऐसे, कोई कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है टाइम के साथ, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर स्लोप निकालो, तो स्लोप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी वाई बाय डी टी। किसी भी इंस्टेंट पर जो स्लोप होगी वो क्या होगी? यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या चल रहा है? वाई एक्स में क्या चल रहा है? टी। तो क्या होगी स्लोप? डी वाई बाय डी टी। और डी वाई बाय डी टी स्लोप आपको इस क्वेश्चन में क्या देने वाली है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही है? तो चलो, स्लोप की वैल्यू डी वाई बाई डी टी है। मैंने ये पूछा कि इसमें ना ये अपर पीक है, ये लोअर पीक है, ये अपर ये लोअर, ये अपर ये लोअर, इसके ऊपर स्लोप क्या होगी? तो जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो स्लोप क्या आई यहाँ पर? जीरो। चेक कर लो, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं होगी। जब आप बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे होते हैं तो आप स्लाइड नहीं करते, ना तो इधर जाते हैं ना इधर जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होते हैं, तो स्लोप क्या रहती है वहाँ पर? जीरो। ऐसे यहाँ पर भी स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ अ टेंजेंट, तो यहाँ पर भी स्लोप क्या होगी? जीरो। यहाँ पर भी क्या होगी? जीरो 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 जीरो। अब ऐसे कई रीजन्स हैं जो कभी टॉप हिल पे जा रहे हैं, कभी बॉटम पे जा रहे हैं, कभी टॉप कभी बॉटम। अगर हम खास पॉइंट देखें टॉप एंड बॉटम, दोनों पॉइंट्स पर स्लोप क्या आ रही है? जीरो। कोई डाउट इसमें? इसके अंदर जो टॉप के पॉइंट्स हैं, टॉप माउंटेन का टॉप, उसको बोलते हैं मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर वाई मैक्सिमम हुआ हुआ है। और जो बॉटम के पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं मिनिमम, मिनिमा के पॉइंट्स हैं, मिनिमम के पॉइंट्स हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? मिनिमम। अब इसके अंदर एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने कहा कैसे? वो कहता है देखो वाई तो सिर्फ यही मैक्सिमम है, बस इस चोटी टॉप की चोटी है, यहाँ वाई मैक्सिमम है। यहाँ वाई मैक्सिमम कैसे हो सकता है? तो ये जो वर्ड है ना मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये लोकल है। लोकल समझते हो? एक है ग्लोबल, ये पूरा डायग्राम में वाई एक ही जगह मैक्सिमम है। लोकल मतलब छोटे छोटे एरियाज में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा मिट्टी के ढेर पे चढ़ गया, उसने कहा देखो मैं टॉप पे खड़ा हूँ। देखो उसके लिए वही टॉप है। तुम टेबल के ऊपर चढ़ जाओ तो यहाँ पे टॉप है, तुम छत पे चढ़ गए वो तो यहाँ का टॉप है, तुम शिमला जाके बैठ जाओ तो वहाँ का टॉप है, हिमालय पे जाओगे वहाँ का टॉप है। तो समझ रहे हो बात को? तो आप बिल्कुल पीक पे हो उस पहाड़ के, तो वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रीजन में यहाँ पर वाई मैक्स है, इस रीजन के अंदर वाई मैक्स है, रीजन में वाई मैक्स है, और रीजन में वाई मिनिमम है। तो लोकल लोकल रीजन में वाई मैक्स हो रहा है कभी, मतलब जैसे पहाड़ की चोटी आ गई, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर आ गए, नीचे आ गए, ऐसे बोल रहे हैं। तो मैक्सिमा या मिनिमा के जब भी पॉइंट्स आएंगे उन पर स्लोप हमेशा क्या आएगी? जीरो। कोई डाउट इसमें? आगे अब पॉइंट ये है, स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डी वाई बाई डी टी। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ और स्लोप लूँ तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा? जीरो। और यहाँ भी क्या आएगा? जीरो। तो स्लोप डी वाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। अब प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो पता ही है आपको, ये काइनेमेटिक्स से करके आए हैं आप। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, फिर ऊपर जाते हुए टेंजेंट थोड़ा इधर को बेंड हो जाएगा, कम है, फिर कम है, फिर कम है, और टॉप पे क्या हो जाती है? जीरो। फिर नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो पहले स्लोप ऊपर जाते 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 पहाड़ की चोटी पे जाते जाते जब नीचे खड़े हैं तो पहाड़ बहुत ऊपर दिखता है, स्लोप ज़्यादा है। ऊपर चढ़ते चढ़ते स्लोप कम 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 और टॉप पे जीरो, और फिर उल्टी स्लोप नेगेटिव नेगेटिव नीचे की तरफ हो जाती है। मानते हो इस चीज़ को? स्लोप भी अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, स्लोप भी कांस्टेंट नहीं है। स्लोप कांस्टेंट कब होती थी काइनेमेटिक्स में, मोशन में? जब स्ट्रेट लाइन होती थी, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। तो स्लोप हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर स्लोप इज चेंजिंग विद टाइम, ये भी क्लियर है यहां तक? अब लेट अस कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप रिस्पेक्ट टू टाइम। स्लोप टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है? हम वाई तो हम कैलकुलेट करके आए हैं कि वाई कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, डी वाई बाई डी टी। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि स्लोप टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है,
टाइम के साथ स्लोप कभी कम हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी नेगेटिव हो रही है। तो मैं क्या निकाल लूँगा, जब हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, अब मैं किसका चेंज निकालना चाहता हूँ, स्लोप कैसे चेंज हो रही है, तो मैं किसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, स्लोप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे क्या बोलते हैं, मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और रेट ऑफ चेंज ऑफ का दूसरा नाम क्या है, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। लेकिन स्लोप का फॉर्मूला था क्या, डी वाई बाई डी टी। तो कैलकुलस जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने सुना हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करके डबल डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर करवाया था मैंने, यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई है, दो बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई को डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव लेता हूँ डी वाई बाई डी टी, वो स्लोप है, और अगर मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूँ वाई का, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बता दिया, ठीक। आगे अब प्रैक्टिकल एक पॉइंट को समझते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, बस आप मुझे एक लॉजिक बताओ, है ना, मैथ्स वालों ने क्या लॉजिक से न्यूमेरिकल बना रखे हैं, आप इस बात को समझना। अगर मैं ये कहूँ कि आप दो मिनट के लिए बोर्ड को देखना बंद कर दें और आंखें बंद कर लें, और आपको मेरी बातों से सिर्फ ये बताना है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं हिल के टॉप पे हूँ या मैं हिल के बॉटम पे हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, आप जज करके बताना मैं कहाँ पे हूँ। डायग्राम में तो देख के बता ही दोगे कहाँ पे हूँ। मैंने ये कहा किसी को कि जब मैं मेरी स्लोप शुरू में कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और मेरी स्लोप ज़ीरो हो गई और अब मेरी स्लोप नेगेटिव हो गई, तो मेरी स्लोप पहले पॉजिटिव थी, कम होती गई, ज़ीरो हो गई और अब नेगेटिव हो गई, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, हिल के टॉप पे हूँ। उल्टी स्टेटमेंट, मेरी स्लोप नेगेटिव है जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अब तो मेरी स्लोप नेगेटिव है, फिर मेरी स्लोप क्या हो गई, ज़ीरो, और अब क्या हो गई, ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव। तो नेगेटिव से ज़ीरो से पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि मैं हिल के बिल्कुल बॉटम पे हूँ, तो मैं मिनिमा के पॉइंट पे हूँ। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, अगर स्लोप पॉजिटिव से ज़ीरो से नेगेटिव है तो आप टॉप पॉइंट पर हैं, अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से ज़ीरो से पॉजिटिव हो गई तो आप बॉटम के पॉइंट पे हैं, सही है, यानी कि मिनिमा के पॉइंट पे हैं। तो मैथमेटिकली यही तो बात मैं समझा रहा हूँ कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे या बॉटम मोस्ट पॉइंट पर तो स्लोप की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ पे मेरी स्लोप पॉजिटिव है, फिर मेरी स्लोप ज़ीरो है, फिर मेरी स्लोप नेगेटिव है, फिर नेगेटिव से ज़ीरो है और फिर पॉजिटिव है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव से ज़ीरो से नेगेटिव है तो आप हिल के टॉप पे हैं, यानी कि मैक्सिमा के पॉइंट पे हैं, और अगर आप नेगेटिव से ज़ीरो से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो आप मिनिमा के पॉइंट पे हैं। ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? तो इस बात से ये आई होप क्लियर है कि आप पॉइंट पकड़ सकते हैं आप कहाँ पर हैं। मैथ के लोग ऐसे नहीं समझाते, मैथ के लोग ये कुछ वो अपने तरीके से समझाते हैं, वो दो बात कहते हैं। वो कहते हैं देखो, अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप मैक्सिमा के पॉइंट पे हैं। वो कैसे, वो ये मानते हैं कि आपका पहले स्लोप पॉजिटिव से क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो अगर आपकी अब फाइनल स्लोप नेगेटिव है या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, तो यानी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप फाइनली क्या आ गया, पॉजिटिव है, नीचे से उठ के आप ऊपर जा रहे हैं, यानी कि आप कहाँ पर हैं, मिनिमा के पॉइंट पे हैं। और अगर आपका ये ज़ीरो है, यानी कि आप हिल के टॉप पे हैं, चाहे ऊपर का टॉप चाहे बॉटम हो, कहीं भी हो सकते हैं। तो मैथ की लैंग्वेज समझ में आ रही है साथ साथ, मतलब ऐसे कोई समझाएगा नहीं ना, हम नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो मेरा समझाने का तरीका है, मैं ऐसे देखता हूँ इन चीज़ों को। तो मैथ में ऐसे देखते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो समझो मैक्सिमा का पॉइंट है, अगर डबल डेरिवेटिव वाई का पॉजिटिव है तो मिनिमा का पॉइंट है। तो ये इसकी थ्योरी है मैक्सिमा मिनिमा की। अब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज़ करके दिखाता हूँ इसको यूज़ करना कैसे है। आपको न्यूमेरिकल आएगा, वो कहेगा मान लो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, या मान लो ये कोई भी वाई की वैल्यू है किसी बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई चेंज हो रहा है। आपको मुझे ये बताना है
टाइम की वैल्यू क्या हो, स्मॉल टी निकालना है, जब वाई की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम या मिनिमम। अब मैंने आपको ये सिखाया कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं वाई और टी का, तो स्लोप क्या होती है, डी वाई बाय डी टी, यही होती है। और मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या ली जाती है, जीरो। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, वाई की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, तो टाइम के साथ उसकी स्लोप क्या होगी, डी वाई बाई डी टी, और उसको उठा के क्या पुट कर देना है, जीरो। कोई डाउट इसमें, क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अब मैथ के लोग इसको ऐसे समझाते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें वाई को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, और मैं भी ऐसे ही बोलूंगा आज के बाद, ये नहीं समझाऊंगा स्लोप स्लोप, सीधा बोलूंगा, अगर आपको y को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, उसको उठा के डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू जीरो कर दो। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, जो निकालना है, क्या वेरिएबल निकालना है, टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो इक्वल टू जीरो। ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ इसकी स्लोप इक्वल टू जीरो कर दो, लेकिन इतना मैं क्लास में बोलूंगा थोड़ी ना, न्यूमेरिकल कर रहा हूँ किसी चीज का कि देखो स्लोप ऐसे होगी, कुछ नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन आएगा जी वाई को मैक्सिमम कर दो और टाइम निकालो, तो मैं कहूँगा ठीक है वाई को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो, और विद रिस्पेक्ट टू वो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी जो निकालना है, तो इक्वल टू जीरो करें, वाई की वैल्यू पुट करें, डिफरेंशिएशन सबको आती है, इक्वल टू जीरो करके टाइम आ गया, तो इतने टाइम पर वाई मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या तो आप अपर पीक पे होंगे या लोअर पीक पे होंगे। अब एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछता है, वो कहता है सर ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तुम टी इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पे या तो पहाड़ की चोटी पे हो गए या नीचे हो गए, एक समय पे मैक्सिमा मिनिमा इकट्ठा कैसे कर सकते हो? लॉजिक है, एक समय पे या तो y मैक्सिमम होगा या y मिनिमम होगा, ऐसा ही लॉजिक है। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछने वाला ऐसे नहीं पूछेगा कि आप टाइम निकाल लो जब y मैक्सिमम है या मिनिमम है, ना। क्वेश्चन पूछने वाले को ये चीज़ पता होगी कि ये क्वेश्चन मैक्सिमा का क्वेश्चन है या ये मिनिमम, एक ही चीज पूछेगा कि y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी या टाइम बताओ जब y मैक्सिमम होगा। ये मैंने जान के गलत क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम या मिनिमम होगा बताओ, सिर्फ समझाने के लिए पहला क्वेश्चन है। अदरवाइज आपको एक ही चीज पूछी जाएगी, या तो बोलेगा कि टाइम की वैल्यू बताओ जब y मैक्सिमम है, या पूछेगा टाइम की वैल्यू बताओ जब y मिनिमम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों को करने का तरीका सेम है, तो डी वाई बाई डी टी को ही उठा के जीरो पुट करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक? तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरी चीज समझें, सपोज करो आपको ये वाई की वैल्यू गिवन है और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, राइट, जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम है। अब मैं ट्रस्ट करता हूं पूछने वाले पे कि जो पूछा होगा सही पूछा होगा, उसे जानबूझ के मिनिमम पूछा नहीं, क्योंकि मिनिमम आंसर आता ही नहीं होगा, है ना। लेकिन मुझे शक हो रहा है कि ये ठीक भी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, तो मैं चेक भी कर सकता हूँ इसने सही पूछा कि नहीं पूछा। तो इसने क्या पूछा, वाई की वैल्यू दे दी, टाइम पूछा जब वाई मैक्स है, और मैंने आपको क्या स्टाइल सिखाया, अगर आप किसी चीज़ को मैक्सिमम करना चाहते हो उसको उठा के डिफ्रेंशिएट इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो निकालना है, क्या निकालना है, टी, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो कर दो। तो तुम यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, टाइम आ गया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 सेकेंड। अब मैंने ये चेक करना चाहता हूं कि क्या सच में वाई की वैल्यू इस टाइम पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि आंसर तो मिनिमम भी हो सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से वाई लिखा। अब चेक करने का तरीका देखो, मैंने फिर से वाई लिखा, मैंने इस बार डी वाई बाई डी टी निकाला, पर इक्वल टू जीरो नहीं किया, बस डी वाई बाई डी टी निकाल लिया, स्लोप आ गई। और फिर मैंने एक और डिफरेंशिएशन की और मैंने क्या निकाल दिया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकाल दिया, जो कि 16 आ गया। तो मैंने वाई को दो बार क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर आ गया। मैथ का फॉर्मूला याद किया, मुझे बताया गया था कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, जो कि पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट किसका होगा, मिनिमा का, और जबकि ये क्या पूछ रहे, मैक्सिमा, गलत पूछ रहे, उसको क्या पूछना चाहिए था, टाइम की वैल्यू बताओ जब y मिनिमा है। आंसर हालांकि सेम आएगा, आंसर में चेंज नहीं है, लेकिन मैं आपको यह तरीका बता रहा हूं कि इट कैन बी चेक्ड कि
उसने सही पूछा कि गलत पूछा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अब जो तो सीबीएसई है, जो बेसिक क्वेश्चन स्कूल लेवल है, या जो मेंस है या जो नीट है, वो आपको चेकिंग का काम नहीं देती। आप बिलीव करें, सच माने, वो जो पूछेंगे सही पूछेंगे। अगर वो मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम ही होगा, उन पर शक मत करना। वो मिनिमम पूछ रहे हैं, मिनिमम है, उनकी चेकिंग मत करना। एडवांस वाले ख़राब हैं। एडवांस वाले आपसे पूछेंगे कि तू बता कि यहाँ पर मैक्सिमम है टाइम पे या मिनिमम है, और डबल डेरिवेटिव से काम करवाएंगे। एडवांटेज ये है कि मैथ्स में तब तक प्लस टू में आप कैलकुलस कर चुके होंगे, आपके लिए वो पिक करना ईजी है, तो मैथ्स के टीचर आपको सिखा देंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा बताना ज़रूरी है कि आपको डबल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो हम पूरे दो साल डबल डेरिवेटिव नहीं करने वाले। लेकिन अगर कहीं पूरे हज़ारों क्वेश्चन में एडवांस की प्रॉब्लम करते हुए एक आध क्वेश्चन आपको हज़ारों में से एक मिल गया जिसमें एडवांस के क्वेश्चन ने पूछ लिया कि तू बता ये मैक्सिमम, तो ये थ्योरी काम आएगी। नहीं तो नॉर्मल हमें दो साल हम क्लास में डबल डेरिवेटिव यूज़ नहीं करेंगे। मेरी किसी भी शीट में डबल डेरिवेटिव मिलेगा ही नहीं आपको, एक्सेप्ट ये वाला क्वेश्चन। वो भी मुझे बताना था इसलिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में सिंपल ये आएगा, जैसे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, कि वाई की वैल्यू आपको दे रहा है, वो आपको एक्स निकालना है जब वाई मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, और साथ में बताए भी कि वाई की वैल्यू बोलो मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो ये चेक करवा रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले वाई को क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम। किसी भी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो निकालना है, क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स के साथ इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू को पुट किया, डिफरेंशिएट किया, एक्स की वैल्यू आ गई 1/6। अब मुझे ये बात तो समझ में आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 1/6 पे वाई की वैल्यू या मैक्सिमम आएगी या मिनिमम, मुझे एक चूज करना है। तो मैंने चेकिंग के लिए मैंने एक बार वाई लिया, y को डिफ्रेंशिएट किया, dy वाई बाई आया, एक बार और डिफ्रेंशिएट किया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि इस बार नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर आंसर क्या है, मैक्सिमा। तो जब वो पूछेगा बोल मैक्सिमा या मिनिमा, तो आप क्या मार्क करेंगे, मैक्सिमा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। तो डबल डायरेटिव नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, जो हमने छोड़ा था ऑब्जेक्टिव, वही क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ये था प्रोजेक्टाइल का, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव आपका, कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस इक्वेशन से गिवन है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज मैक्सिमम। तो आप इसमें x की वैल्यू मुझे बताएं जब y मैक्सिमम है, एंड फाइंड y मैक्स, आपको मैक्सिमम वैल्यू y की वैल्यू भी मुझे बतानी है। तो एक तो x बताना है कब, जब y मैक्स होगा, और y की मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है क्या होगी। तो चलो पहले x निकालें। क्या रूल सिखाया, कि आप dy by dx कर दें, x निकाल लें, इसको इक्वल टू जीरो कर दें, यही रूल है। अब आप क्या करें, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू इज ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको डिफ्रेंशिएट करें, a कॉन्स्टेंट है, dx बाई डी एक्स वन, b कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू b इंटू 2b इंटू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a डिवाइडेड बाई 2b, को डाउट इसमें, x की वैल्यू आ गई, को डाउट। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, एक आंसर आ गया। फिर वो पूछेगा y की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दें, तो आपको ये पता लग गया कि इसके इस x की वैल्यू पर y मैक्स आता है, तो तुम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके y मैक्स की वैल्यू निकाल लेना, a इंटू एक्स की जगह a डिवाइडेड बाई 2b, और माइनस b इंटू एक्स की जगह a डिवाइडेड बाई 2b का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, y मैक्स निकाल लेना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ा था ये था वो। तो जितने क्वेश्चन हम छोड़ते आए हैं, मैक्सिमम कर दो, मैक्सिमम कर दो, मिनिमम कर दो, अब समझ में आ रहा है, उसको कुछ नहीं करना। अगर उसने बोला वाई को मैक्सिमम कर दो, उसको उठा के डिफ्रेंशिएट कर दो, इक्वल टू जीरो आंसर आ जाएगा।
पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक तो कि क्या लॉजिक लगने वाला है इसमें? ठीक है, से जब हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, अभी फोर्थ चैप्टर आएगा, फोर्थ के अंदर ना जैसे ही क्वेश्चन आएगा, मैं पता नहीं सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नहीं पूछ रहा, मुझे मालूम नहीं आंसर भी आएगा नहीं आएगा, तरीका बता देता हूँ। वो कहेगा एक ना फोर्स है और वो फोर्स ना थीटा एंगल पे लग रही है एक ब्लॉक के ऊपर, और लेट अस सपोज वो फोर्स की वैल्यू बाय मान लो 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। तो फोर्स यानी कि आप कितने एंगल पर, क्वेश्चन है आप कितने एंगल पर फोर्स लगाएं ताकि आपकी फोर्स क्या आ जाए, मैक्सिमम। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 100 में से एक पूछेगा, रोज नहीं पर एक दिन तो पूछेगा, पूरे साल में कम से कम 5 क्वेश्चन तो होंगे। अब मैं 5 क्वेश्चन के लिए 5 बार थोड़ा समझाऊंगा, तो एक बार बता दिया क्या करेंगे इसमें, df डिवाइडेड बाय d थीटा इक्वल टू 0, कुछ नहीं बस 0 कर दो। तो उसके बाद क्या करना है, डी बाई डी थीटा ऑफ एफ, एफ की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 कर दो। यू बाई वी का फॉर्मूला लगा लो, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ऑब्वियसली इसके डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 0 माइनस 1 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर स्क्वायर लिख नहीं रहा क्योंकि वो 0 से कटने वाला है, वैसे वी स्क्वायर भी होता है। उसने कहा क्या एंगल हो, तो जो निकालना है वही वेरिएबल है, उसके साथ ही डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहां पर ये वाली टर्म तो बिल्कुल ही क्या हो गई, 0, तो ये माइनस भी 0 से कट गया, तो क्या बचा, d by d theta of cos theta plus 2 sin theta must be equal to 0, या फिर cos theta के differentiation minus sin theta और sin theta की cos theta equal to 0, तो minus sin theta minus 2 cos theta minus minus plus, तो tan theta की value क्या आ गई, 2, तो theta क्या आ गया, tan inverse। ये लो, ऐसे ऑब्जेक्टिव दिखेंगे आपको, समझ में आ रहा है यहाँ तक?